इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सोमा पाठक आज आप लोगों को PCOD और PCOS के लिए एंजल नंबर और एक सेक्रेट कोड बताने वाली हूँ। आज के दिन में मोस्टली बहुत ज़्यादा लेडीज़ या बहुत छोटी छोटी बच्चियों को भी, जो टीनेजर्स हैं उनको भी ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो किसी को पता रहता है, किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, ये एक्चुअली डिज़ीज़ नहीं है, ये एक्चुअली डिसऑर्डर है जो हमारे लाइफस्टाइल के, गलत लाइफस्टाइल के वजह से हो जाता है। इसमें हमारे ओवरी में सिस्ट, छोटे छोटे सिस्ट दिखाई देते हैं, जो जिसके वजह से हमारे पीरियड्स में इरेगुलरिटी आती है, पेन आता है या ओवर ब्लीडिंग होती है, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। इसका मेन कॉज बहुत सारा है। एक तो गलत लाइफस्टाइल इन द सेंस जंक, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना, पानी कम पीना, रात को बहुत देर तक जगे रहना, ठीक से नींद पूरा नहीं होना, ये सब लाइफस्टाइल के वजह से है। इसको अगर हम चेंज कर ले तो ऐसे रोगों, ऐसे डिसऑर्डर्स से हम बच सकते हैं इजीली। नेक्स्ट, ये ओबेसिटी की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हैं, जो उनके वजह से भी होता है। और थायराइड अगर किसी को हो या हेरिडिटरी किसी को डायबिटीज़ हो, तो भी ये PCOD या PCOS का प्रॉब्लम लेडीज़ में मिलता है। तो इसको हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी करके, बहुत सारा फिज़िकल वर्कआउट करके, जैसे प्राणायाम, योगा या एक्सरसाइज, ये सब करके, और बहुत अच्छे से एक हेल्दी डाइट मेंटेन करके हम इससे खुद को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, या प्रिकॉशन के तौर पे हम अपना लाइफस्टाइल हेल्दी बना सकते हैं। तो जो नंबर है एंजल नंबर, जिससे हम यूज़ करने से, लेफ़्ट बॉडी पार्ट में हम यूज़ करेंगे, लेफ़्ट बॉडी पार्ट में ब्लू पेन से लिखेंगे 56 2 2 1 6 1, 56 2 2 1 6 1। इस नंबर को हम लेफ़्ट बॉडी पार्ट में ब्लू पेन से लिखेंगे, और वाटर बॉटल में, जिस बॉटल का पानी हम पूरा दिन पीते हैं, उस बॉटल में हम मार्कर, ब्लू मार्कर पेन से ये वाला सेम नंबर लिखेंगे, 56 थोड़ा गैप देंगे, 22 थोड़ा सा स्पेस, और 161 ऐसे एक ही लाइन में हम लिखेंगे। और उस पानी को हम हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा करके पियेंगे। ज़्यादा भी ऑफकोर्स पी सकते हैं, पर वो पानी ख़त्म होने से पहले ही आपको पानी का बॉटल भर के रखना है। और ये साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं होता है इसका, इसी वजह से घर के कोई भी मेंबर्स इस पानी को अगर पिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पी सकते हैं। पर जिनको ये PCOD का प्रॉब्लम है, उन्हें अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट में ये नंबर लिखना है, और वो बॉटल में भी ब्लू मार्कर पेन से लिखना है। अगर ब्लू मार्कर पेन ना हो तो आप ज़रूर एक वाइट पेपर में ब्लू पेन से लिख सकते हैं, उसके ऊपर आप इस बॉटल को रखें और पानी को पीजिए। ये जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, जब तक आपका ठीक नहीं होते, तब तक ही इसको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट जो है PCOS के लिए एक नंबर है, सेक्रेट कोड है 1614। इसे लेफ़्ट बॉडी पार्ट में ब्लू पेन से लिखना है और जस्ट चैंट करना है दिन में 2 से 3 बार, 45 times ईच टाइम। 1614 1614 1614 1614, ऐसे हमें पूरे दिन में 2 से 3 बार चैंट करना है, हर बार 45 times करके। तो ऐसे हम बहुत इजीली PCOS से और PCOD से ठीक हो सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं।
उसके साथ साथ आप ज़रूर लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए। और रेकी के द्वारा भी हम इसे बहुत इजीली हील हो सकते हैं, हील कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप खुद सीखिए, खुद सीख के खुद की हीलिंग कीजिए। PCOS हो या PCOD हो या दूसरा कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम, कोई भी रिलेशन प्रॉब्लम, कोई भी करियर या फिनेंशियल प्रॉब्लम, सब आप हील कर सकते हो जस्ट खुद सीख कर और प्रैक्टिस करके। और अगर आप इस वक्त सीख नहीं सकते तो आप कोई भी रेकी हीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। रेकी डिस्टेंस हीलिंग से भी आपका PCOD या PCOS ठीक हो सकता है। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग लेना है PCOD या PCOS के लिए, या और भी कोई प्रॉब्लम हो जिसके लिए आप लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यूज़ कीजिए इन नंबर्स को और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।